मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पर एक दूल्हा जिसका नाम विक्रम चौधरी है, जो कि शहर के गुरडांग का निवासी है। दूल्हा विक्रम कोलगवां थाना क्षेत्र में आबकारी एक्ट का आरोपी है। इसे 14 मई को कोलगवां पुलिस ने न्यायालय में पेश किया था, जहां से न्यायालय द्वारा आरोपी विक्रम चौधरी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आरोपी विक्रम की 16 मई को सतना जिले के मैयर विधानसभा क्षेत्र नादान देहात के करवा गांव में उसकी शादी तय हुई। आरोपी विक्रम के परिजनों ने न्यायालय में उसकी शादी के लिए अपील की। इसके बाद न्यायालय से आदेश उसकी शादी कराने के लिए दिया गया। वह आदेश जेल पहुंचे। जेल के बाद पुलिस अभिरक्षा में दूल्हे विक्रम चौधरी को शादी के लिए जेल से मुक्त किया गया, ताकि उसका विवाह संपन्न हो सके। इसके बाद पुलिस ने आरोपी दूल्हा विक्रम को लेकर नादान देहात के लिए गांव पहुंचे, जहां पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच दूल्हे का विवाह संपन्न हुआ। 17 मई के तड़के सुबह दूल्हे की विदाई रस्म पूरी हुई। इसके बाद पुनः 7 बजे दूल्हे को जेल भेज दिया गया। दूल्हे की शादी में एक TI, उपनिरीक्षक सहित पुलिस बल भी मौजूद रहा। वहीं दूल्हे की शादी संपन्न होने पर उसके परिजनों ने न्यायालय सहित पुलिस व जेल प्रशासन को धन्यवाद प्रेषित किया। इधर देखो, भाई आराम कर बेटा। हाँ हाँ जाओ। हाँ दे रहा हूँ सर जी, शासन को धन्यवाद दे रहा हूँ जी सर। हमारी खुशी शादी हो रही सर, बस हो गया भाई। पुलिस की क्या भूमिका रही, पुलिस ने क्या क्या किया आज? होगा कुछ नहीं, कुछ नहीं। पुलिस ने सहयोग किया आपके साथ? हाँ जी सर, ये किए। ये अभियुक्त विक्रम चौधरी गुरडांग का निवासी है, जो चौथे दो का अभियुक्त है, जिसको माननीय न्यायालय ने जेल भेजा था। और चूंकि आज की डेट में इसकी शादी थी, तो न्यायालय में आवेदन लगाया, तो न्यायालय ने आदेशित किया कि सुरक्षा व्यवस्था दे के शादी संपूर्ण तरीके से रीति रिवाज से कराई जाए और पुनः उसको जेल में दाखिल किया जाए। सुबह 6 बजे तक का समय दिया है, सुबह 6 से 7 के बीच में जेल में दाखिल करना है।